हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन। ये रीडिंग होगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस की। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, पाइल ब्लू पाइल येलो। आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। इट्स कन बी अ क्विक वन, तो इसलिए इसमें मैं और कार्ड्स ऐड नहीं करूँगी। बस ये कार्ड्स यू नो हम रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या है इन कार्ड्स में। कार्ड्स मैंने खुद नहीं चेक किए, सो आई एम जस्ट कन डाइव इनटू इट एंड देखते हैं कि क्या कार्ड्स है। पाइल वन से स्टार्ट करूँगी, पाइल ब्लू से। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल वीर है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो पिक यू नो आपकी जो सिचुएशन से मैच करता है, अपन मैसेजेस को पिक कर और बाकी सब को छोड़ दो। लेकिन सेंस इट्स अ ओरेकल गाइडेंस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में ये मैसेजेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड। स्टार्ट करते हैं पाइल वन से। अच्छा, इसमें मैं टाइम स्टैम्प्स जो है वो नहीं छोड़ूंगी। इट्स गोना बी अ शॉर्ट रीड, तो अगर आप चाहो तो डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट क्वेश्चन करके अपने माइंड में आप दोनों जो है वो पाइल्स चेक कर सकते हो। बट अगर आप में सिस्टर किसी को छोड़ने की ज़रूरत फील हो कि आपको टाइम स्टैम्प चाहिए या आपको लगता है किसी और को चाहिए होगा, तो आप खुद से ऐड कर देना टाइम स्टैम्प उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर। बट यस, आई एम गोना स्टार्ट विद द पाइल ब्लू। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल ब्लू चूज़ किया उनके लिए ओरेकल गाइडेंस उनकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड हियर। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. मुझे लगता है कि it's very important right now कि आप अपनी love life में जो भी current situation है इससे heal करो और learn करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी connection में stuck हैं जो कि शायद आपको जिसमें से move on करने की ज़रूरत है। शायद it was more like a lesson आप लोगों के लिए। शायद आपको लग रहा हो कि ये soulmate connection है या ये connection meant to be है, लेकिन in actuality इस connection से आपको learn करते हुए निकलना है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप अपने लव लाइफ में हील कर सको अपने आप को, अपनी लाइफ में सॉरी पर्सनली आप अपने आप को हील कर सको ताकि आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आएँ। नेक्स्ट कार्ड है रिकवरी। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट ये कार्ड पेयर अप विद दिस, मुझे लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपकी लव लाइफ में चल रही है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जब आप अपने आप को हील कर लोगे तो आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाएगी इसी इंसान के साथ, लेकिन बिफोर यू कुड हैव इट मुझे लगता है कि एक एंडिंग होगी। और आप जब अपने आप को हील कर जाओगे इस एंडिंग के बाद, मुझे लगता है तब आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और यू नो डेफिनेटली आएंगी। और कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा इस कनेक्शन में रहते हुए। ट्विन फ्लेम जर्नी मेजॉरिटी लोगों के लिए, इसीलिए शायद चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जैसे हैं। लाइक यू नो आपको शायद लग रहा हो कि काश चीज़ें ऐसी ना होती, काश चीज़ें वैसा ना होती। ये अगर नहीं होता तो आप इंडिविजुअली ग्रो नहीं करते दोनों पर्सन जो इस कनेक्शन में हैं। प्लस मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी था ताकि आप कुछ चीज़ों से हील कर सको, कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर सको ताकि आप अपने आप का बेटर वर्जन बन सको। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पाइल ब्लू चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पाइल येलो। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल येलो चूज़ किया क्या है ओरेकल गाइडेंस आपके लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on. Again, almost the same energy जो पाइल वन में थी। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन शायद राइट नॉट टॉक्सिक हो रहा है। चाहे आप उसमें आप उस इंसान को प्यार करते हो, चाहे आप रीसेंट नया कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उस केमिस्ट्री को वापस लाना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि इट्स जस्ट एडिंग नथिंग गुड टू योर लाइफ, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि शायद आप जितना कोशिश करोगे इस कनेक्शन को चलाने में, फिलहाल इस नेगेटिव एनर्जी के साथ मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबिलिटी है। सो मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ अ कनेक्शन जो कि शायद आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है। क्रिएशन। अच्छा, राइट नाउ इसमें से इस कनेक्शन से अपने आप को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है। इससे डिटैच करने के बाद इन्हांस करो या वर्क करो टू एम्पावर योरसेल्फ। आपके अंदर जो गॉड गिवन पावर्स हैं उसको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो और क्रिएट करो अपनी आइडियल लाइफ जिसमें आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो आपने की हैं इस कनेक्शन में रहते हुए। अगेन मुझे ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लग रही है जो पाइल वन की थी। बट यस, आप में बहुत ज़्यादा चांसेस है आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सको जैसे आप चाहते हो, लेकिन जिस कंडीशन में आप हो, मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग में आप हो, आपके लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए इस कनेक्शन से जो कि राइट नाउ ऐसा हो रहा है जो कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, यू नीड टू पुल अवे फ्रॉम इट। तभी जाकर आप हील करोगे, तभी जाकर आप वो क्रिएट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो इस सिचुएशन में रहते हुए जिसमें करंटली आप हो, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड बाय।